तो हाँ भाई बस के लोगों, तो क्या हाल चाल है? पढ़ता हूँ क्या बढ़िया अच्छे होंगे। तो आज हम इस रूम में ओजेस प्राइवेट बस मोड का रिव्यू करेंगे। तो इस बस मोड को टीम बिला कैडेंस ऑफिशियल चैनल ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पिलवा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इसमें एक बढ़िया सा रिंग एंगल देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का है। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे, तो चलो इसके इंजन साउंड की ओर। तो भाई लोग आप लोगों को कुछ इस तरह का एक बढ़िया सा एक्सटीरियर देखने को मिलेगा। तो आगे का हेडलाइट ठीक ठाक है और पीछे का टेलाइट का डिज़ाइन भी ठीक ठाक है, मतलब आपको उतना रियलिस्टिक हेडलाइट और टेलाइट देखने को नहीं मिलता लेकिन ओवरऑल अच्छा है। और आप लोगों को एक बढ़िया सा इंटीरियर देखने को मिलेगा और आपको इंटीरियर लाइट्स भी देखने को मिलता है, ये भी बढ़िया है। और डोर एडमिशन से पैसेंजर साइड के दोनों डोर ओपन होता है, इसका भी इफेक्ट अच्छा है। और आप लोगों को इस मोड में 3 तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा। तो पहले वाले एनिमेशन से सामने का बोनेट ओपन होता है, इसके अंदर आपको एक इंजन का लेआउट देखने को मिलता है, ये भी बढ़िया है। और दूसरे वाले एनिमेशन से विंडोज़ ओपन हो जाती है, इसका भी इफेक्ट कुछ इस तरह का है, तो इसका विंडो का शेड ठीक ठाक है। और तीसरे वाले एनिमेशन से ड्राइवर साइड का डोर ओपन होता है, इसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो, तो एक बढ़िया वाला आपको एक एनिमेशन की देखने को मिलेगा। और आप इधर इसका इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया इसका इंटीरियर है, डैशबोर्ड भी अच्छा है और आपको थोड़ा ईटेस्ट वाला एनिमेशन भी दिया है इन्होंने, ये भी अच्छा है। खास करके इसका इंटीरियर बहुत ही कमाल का है और इसका ड्राइविंग एंगल भी बहुत ही बढ़िया है, आपको दोनों वर्ग में एक ही फ्रेम में देखने को मिलेगा और बहुत ही रियलिस्टिक इसका इंटीरियर कैम, और आपको ओवरऑल एक बढ़िया सा इंटीरियर देखने को मिलेगा। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डायल और इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है लेकिन आपको कोई भी इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता। और इसका ड्राइविंग एंगल सही है, ब्रेकिंग भी बढ़िया है, स्पीड भी अच्छा है और स्टीयरिंग फीडबैक भी बढ़िया है गाइस। तो ओवरऑल चलाने में बहुत ही स्टेबल है, आपको ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगा इसे चलाने में, तो एक बढ़िया मोड है। और आप लोगों को इस मोड के विंडशील्ड पर रियलिस्टिक रेन इफेक्ट और उसके साथ साथ वाइपर सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का है। और आपको इसमें ड्राइवर देखने को मिलता है लेकिन आपको कोई भी पैसेंजर देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल इसका इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छा है, ड्राइविंग एंगल बढ़िया है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, तो मुझे तो अच्छा लगा। और अगर आपके पास कोई भी मोड रिलेटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगी, तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पिलवा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मैं आपसे अगले में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।